नारी शक्ति दूत ऐप लॉगिन प्रॉब्लम। तो गाइज जैसे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करते होंगे इस एप्लीकेशन के अंदर, तो बेसिकली यहाँ पे लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया था, आप यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है, आपको एरर ऑकर शो करता होगा या फिर लॉगिन ही नहीं होता होगा, पेंडिंग शो कर देता होगा या फिर एरर आ जाती होगी या फिर इस तरीके से लोडिंग हो रहा होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ क्या है प्रॉब्लम एंड कैसे आपका जो आईडी है इसके अंदर लॉगिन होगा। बेसिकली सी बात है, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया था, अब बात ये निकल के आ रही जैसे आप अपना आईडी लॉगिन करते होंगे तो आपको यहाँ पे एरर दे जाता है बार बार। तो चलो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बता देता हूँ कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ गाइस मेक श्योर कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं एंड्रॉयड फोन से रिलेटेड काफ़ी यूजफुल वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से प्ले स्टोर ओपन करो या फिर ये काम करो, सबसे पहले तुम्हें ये वाली जो एप्लीकेशन है ये देखो यहाँ पे नारी शक्ति दूत जो है इसको एक बार आप अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे क्लियर कैच एंड डेटा करा रहे हैं, वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले आप इसको अनइंस्टॉल करो, जस्ट 10 MB की एप्लीकेशन इसको आप सबसे पहले डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद अब आप क्या करें, प्ले स्टोर पर जाएँ, अब यहाँ पर इसको इंस्टॉल करें, ठीक है। अब कहोगे भाई ये तूने क्या किया, डिलीट करा के दोबारा से डाउनलोड करवा रहा है, देखो यहाँ पे क्लियर कैच एंड डेटा करोगे वो काम नहीं करेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सबसे पहले आप इसको डिलीट ही कर दो एंड दोबारा से इंस्टॉल करो। एक तरीके से आप जब इसको दोबारा से इंस्टॉल करोगे ना, तो एक तरीके से डाउनलोड जो होगा ये लेटेस्ट वर्जन वाला अपडेट होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अपडेट करोगे वही एक बात हो जाती है, अगर आप इसको डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल कर लोगे तो जो प्ले स्टोर पर नया वाला इसका वर्जन आया होगा ना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे इसका अपडेट आता है प्ले स्टोर पे। तो अगर आप लेटेस्ट वाली डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो पहला काम आपको यही करना है कि आप इंस्टॉल ही कर लो, ठीक है, डिलीट करने के बाद दोबारा से इंस्टॉल कर लो। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बैक कर दो। देखो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है, ये जो एप्लीकेशन होती हैं इनके सर्वर डाउन हो जाते हैं। सर्वर डाउन का मतलब होता है कि इन एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा लोड आ जाता है, या फिर कह लें कि एक साथ जब ज़्यादा लोग किसी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे बेसिक सी बात है वहाँ पे वो काम नहीं करती, या फिर लॉगिन एरर आ जाती है या तो फिर पेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ के साथ लॉगिन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा वेट करना है और एकदम से आप किसी भी एप्लीकेशन को बैक मत किया करें। और एक काम और करना है, क्या पता हो सकता है कि आपका जो इंटरनेट है मोबाइल का वो स्लो हो गया हो। ध्यान रखना कि दोस्तों कई बार आपको पर डे जितना डेटा मिलता है आप उतना ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद आपको जो स्पीड है वो KB में प्रोवाइड करी जाती है। तो अगर आप KB के इंटरनेट पे जाकर इस ऐप को ओपन कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि एरर आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी जो स्क्रीन है ये लोडिंग पे जाकर रुक गई है, यहीं पे आगे नहीं बढ़ रही है। तो दोबारा से आप इसको कट कर दें एंड अगेन ओपन कर लेते हैं यहीं से। हाँ तो गाइस आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है लॉगिन का पेज। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वही डालना है। एक और चीज़ ध्यान रखो दोस्तों, जो आपने अकाउंट बनाया था ना इस एप्लीकेशन के ऊपर वही मोबाइल नंबर डालना है। ऐसा मत करना कि कोई अकाउंट जो आपका किसी दूसरे नंबर से बना था और आप जो लॉगिन है किसी दूसरे नंबर से कर रहे हैं, वो मत करना। अब यहाँ पे आपको वही सेम नंबर डालना है इस तरीके से। चलो हम यहाँ पे अपना नंबर एंटर कर देते हैं और यहाँ पे आपको टिक मार्क मिलता है, इसको आपने इस तरीके से टिक कर देना है, स्वीकार पे क्लिक कर दो, स्वीकार आप, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाले लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सभी यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और ये ऑटोमेटिकली आपको OTP या फिर कहेंगे वेरीफाई कर देगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपके सामने वीडियो को कट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं वेट करूँगा क्या ये प्रॉब्लम ठीक हुई है या फिर नहीं। और इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है लोडिंग, ये देखो यहाँ पे गोल गोल जो है घूमी जा रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और वीडियो को कट नहीं करूँगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कह लें कि मेरे को 10 से 15 सेकंड हो चुके हैं, अभी भी लोडिंग शो कर रहा है। और राइट गाइस, तो यहाँ पे ना मेरे को प्रॉब्लम देखने को मिली है, आपको मैं दिखाता हूँ। इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी, जैसा कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एरर अकॉर्ड देखने को मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ रेड कलर का जो लिखा हुआ कुछ आता है, तो यहाँ पे अभी भी लोडिंग ले रहा है। और मैं इसको प्रूफ के साथ बताता हूँ ये क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, मेन कारण क्या है। तो मैं भी यहाँ पे लॉगिन करना चाह रहा हूँ अपनी आईडी और आप सभी के सामने यहाँ पे लोडिंग ही हो रहा है, ठीक है। और लोडिंग होने के बाद यहाँ पे एक लिखा हुआ आता है अनएक्सेप्टेड एरर, अनएक्सपेक्टेड ऐसे कुछ लिखा हुआ रहा है, ठीक है। तो अब मैं गाइस यहाँ पे बताता हूँ, इसको ना क्लियर कैच एंड डेटा वगैरह कुछ मत करो, ये अपने आप ठीक होगा। मेन रीज़न यही निकल के आ रहा है कि इस एप्लीकेशन का जो है हो सकता है कि सर्वर डाउन हो, और कुछ भी मत करो। अगर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके आगे मत करना, इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करो और अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लो बस, और कुछ भी मत करना। और इस ऐप को अपडेट कर लो और ओपन करो। हो सके दोस्तों ये एप्लीकेशन में कोई बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, और कुछ भी मत करो। आई थिंक 24 आवर्स वेट कर लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा और अपडेट कर लो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस ऐप को और रीस्टार्ट करके देख लो। बाकी और कुछ भी मत ट्राई करो। यहाँ पे क्लियर कैच एंड डेटा भी देख लोगे करके तो वो शायद वर्क नहीं करेगा, बस यही है कि इसका सर्वर डाउन हुआ है अभी, तो डेट सही प्रॉब्लम दे रहा है। बाकी मॉर्निंग तक ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं एक और वीडियो बना के बता दूंगा कैसे इसको आप ठीक करेंगे, ठीक।